क्वेश्चन को देखिए कि ये हमारा इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इजकल टू फोर। हमने क्या किया, पहले पुट किया एक्स इजकल टू जीरो, तो जब हमने एक्स की वैल्यू रिप्लेस किया जीरो तो वाई की वैल्यू हमें फोर ऑप्टेन हो गई। फिर हमने एक्स इजकल टू वन पुट किया तो वाई की वैल्यू हमें थ्री मिली, और दोबारा हमने वाई की वैल्यू पुट किया टू तो हमें एक्स की वैल्यू टू आ गई। और ये आपका बॉक्स है जहाँ पर एक्स जीरो है। अब इसे ऐड कर देंगे तो दोनों का सम यहाँ पर फोर है, यहाँ भी फोर ही आएगा, आप कहीं भी चेक कर लें। और इसके आप प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग कैसे करना है, सबसे पहले एक्स जीरो है, ये आपका एक्स है और ये वाई हो गया, ठीक है। यहाँ एक्स जीरो का मतलब ना एक्स का लेफ्ट में मूव है ना राइट में मूव है, और हमें सीधा वाई पर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, तो जहाँ चार आ जाएगा रुक जाएंगे। एक्स वन है, वाई थ्री, ये हो गया आपका, फिर एक्स टू और वाई टू, ये आपका बीचों बीच आ गया। ये आपका आ गया टू, ठीक है। और इस तरह से जब हम ग्राफ का इक्वेशन खींचेंगे, प्लॉट करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से आएगा ये कि क्योंकि दोनों का सम जो है आपका चार है, तो अगर एक्स चार होगा तो वाई जीरो होगा, अगर वाई चार होगा तो एक्स जीरो होगा, और ये आपका इक्वेशन बन गया। और इस तरह से ये प्लॉटिंग हो गई, और यहाँ पर आपका टू एंड टू है, ये आपका वन एंड थ्री है, ये जीरो और फोर है, और यहाँ पर ये फोर और इसका जीरो वैल्यू है, और इक्वेशन यह है एक्स प्लस वाई इजकल टू फोर। समझ गए कितना इजीली से हम इसको बहुत आसानी से पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो प्लॉटिंग करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। अब दूसरा हम लेते हैं, चलिए बच्चों, ये आपका इक्वेशन नंबर टू है, एक्स माइनस वाई इजकल टू टू। मतलब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस टू है, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू ज़्यादा है। अगर सपोज मान लो हम पुट एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं तो जीरो माइनस वाई इजकल टू टू, माइनस वाई इजकल टू टू, वाई इजकल टू माइनस टू आ जाएगा, ये हो गया माइनस टू, ठीक है। फिर पुट एक्स इजकल टू वन, तो वन माइनस वाई इजकल टू टू, माइनस वाई इजकल टू टू माइनस वन, माइनस वाई इजकल टू वन, तो वाई इजकल टू क्या हो, माइनस वन। यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, माइनस वन की मिल गई। और फिर अगेन पुट एक्स इजकल टू टू, तो ये हो जाएगा टू माइनस वाई इजकल टू टू, माइनस वाई इजकल टू टू माइनस टू, माइनस वाई क्या बन जाएगा जीरो, तो वाई इजकल टू कितना होगा जीरो। यहाँ पर आपने देखा कि कितनी आसानी से दो छोटे छोटे से ग्राफ हैं। आप इससे अगली क्लास में जब टेंथ में जाएंगे तो आपको बड़े बड़े इक्वेशन मिलेंगे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। और टू इक्वेशन, यहाँ पर सिंगल इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं, वहाँ पर डबल इक्वेशन होगा, दो दो इक्वेशन होगा, और अपर क्लास में जाएंगे तो थ्री वेरिएबल्स का होगा। जब आप बारहवीं में पढ़ेंगे, ग्यारहवीं बारहवीं में जाएंगे, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो थ्री इक्वेशन होंगे, थ्री वेरिएबल्स के इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग में ये पहले का प्लॉटिंग है, अब यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्स जीरो है तो वाई माइनस टू, एक्स जीरो का मतलब ना इधर आएगा ना इधर जाएगा, वाई माइनस टू ये, ठीक। एक्स वन है तो वाई माइनस वन यहाँ पर आएगा, फिर एक्स टू है तो वाई जीरो होगा, ये आपका ग्राफ है। और इस तरह से इस ग्राफ को आप खींच सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, और इसका ग्राफ जब आप खींचेंगे ना, देखिए एक्स जीरो वाई माइनस टू, इसको थोड़ा बड़ा लिख लें, ठीक है। एक्स वन तो वाई वन, यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये आपका वन है, फिर एक्स टू है तो वाई जीरो। और अब इसका जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे इस तरह से,
दिख रहा होगा, ये आपका ग्राफ की लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, और यहाँ पर ये है वन और माइनस वन है, ये टू है एंड जीरो है, तो ये जीरो और माइनस टू है, और ये आपकी ग्राफ की लाइन है, ये इसका पार्ट टू था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि किस तरह से हमने इसको बहुत आसानी से हम एक वैल्यू ले करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसे ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन हमारा गिवन है y इक्वल टू 3x, मतलब आपका इक्वेशन y जो है 3x के इक्वल है, तो हम यहाँ पर वैल्यू x की लेंगे, इससे इजीली से सॉल्व हो जाएगा, y का टेक करेंगे तो x की वैल्यू ये जो कोफिशियंट है इसे आगे डिवाइड करेगा तो फ्रैक्शन में आएगा, तो पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0, वाई बराबर क्या हो गया 0, हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, अब दोबारा रूट x बराबर 1, तो y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3 इंटू 1, y बराबर 3 आ गई, और जब हमने 1 लिया तो ये 3 आ गया, मतलब 3 इसकी वैल्यू हो गई। अब एक वैल्यू हमें और लेना है, रूट x बराबर 2, तो y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3 इंटू 2, y इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, आपकी वैल्यू 6 आ गई। अब हम इस हमने तीन वैल्यू इसको फाइंड कर लिया, x की 3 वैल्यूज आती है, x 0, y 0, x 1, y 3, 1 3 जा, 2 3 जा, यहाँ आप इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू को प्लॉटिंग करेंगे, x आपका 0 है, 0 0 मतलब यही पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद x 1 है तो y 3 ये पॉइंट आ रहा है, फिर y 2 है तो ये 6 आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, और ये इक्वेशन आपका सीधा इसका इक्वेशन आप ड्रा करेंगे, ये वैल्यू आपकी ये तो 0 0 हो गया, ये आपका 1 और 3 हो गया, ये हो गया 2 एंड 6, वाई इक्वल टू 3x, ये आपका इक्वेशन हो गया, 1 3 जा, 2 3 जा, और 0 0, ये आपका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ की लाइन हो गई, और इस तरह से आप इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं। और इसका अगला पार्ट जो है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अगले पार्ट को वेट कीजिए बच्चों। हमारा इक्वेशन है 3x + 2x + y, तो इसको रिवर्स करके हम इसे पहले राइट करेंगे, लेफ्ट को राइट में, राइट को, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2 बराबर, और इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो पुट x = 0, 2 × 0 + y = 3, 0 + y = 3, तो y बराबर कितना हो गया 3, वाई की वैल्यू 3 है। ठीक है, पुट x = 1, तो 2 × 1 + y = कितना 3 है, तो 2 + y = 3, y = 3 - 2, y = कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और अब पुट x = 2, तो 2 × 2 + y = 3, 4 + y = 3, y = 3 - 4, y = -1, y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, हमने 2 लिया तो -1 लिया आया, और 1 लिया
ये यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 लिया तो ये आपका इंजर 2 1 हो, ठीक है। और अब इसको आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। प्लॉटिंग करने के लिए देखिए x 0 है तो y 3 है, ये आपकी वैल्यू हो गई। फिर x 1 y 1 है, ये आपका पॉइंट आ गया x 1 y 1। फिर x 2 y माइनस 1 यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से आप इसका प्लॉटिंग करेंगे, इसकी जब प्लॉटिंग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा ऐसे। इसे आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये आपको ये आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी है 0 and 3, ये वैल्यू है 1 and 1, और ये वैल्यू है 2 and -1 2 and -1। और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है 2x + y = 3, मतलब ये लाइन जो है इस इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक।